हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है पुदीना बूंदी रायता। ये रायता बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो पुदीना बूंदी रायता बनाने के लिए मैंने बूंदी और पुदीने का इस्तेमाल करा है। तो चलिए बनाते हैं पुदीना तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं पुदीना बूंदी रायता। पुदीना बूंदी रायता बनाने के लिए ये मैंने एक कटोरी दही लिया है और ये फ्रेश पुदीने की पत्तियाँ ली हैं, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, काला नमक, ये दो मैंने मिर्ची ली हैं, और ये मैंने हाफ गिलास दूध लिया है और ये बूंदी ली है। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं पुदीना बूंदी रायता। तो सबसे पहले हम पुदीने का पेस्ट बना लेंगे। अरे ग्राइंडर जार में हम डालते हैं पुदीना, मैंने धो के अच्छे से साफ कर लिया था। साथ में ही डाल देंगे हरी मिर्ची, ये मैंने दो हरी मिर्ची ली हैं, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक हम स्वाद अनुसार यूज़ करेंगे। चलिए अब इसका पेस्ट बना लेते हैं। पुदीने का हमने दरदरा पेस्ट बना लिया है, बिल्कुल भी इसका पेस्ट नहीं पतला बनाना है, इतना मोटा होना चाहिए। अब बाउल में निकाल लेते हैं। पुदीने का पेस्ट रेडी है। अब हम एक बाउल लेते हैं और दही को अच्छे से फेंट लेंगे। दूध को अच्छे से फेंट लेंगे। अब दूध दही में हम डालेंगे दूध। दही अच्छे से हमने फेंट लिया है, इसमें दूध को ऐड कर देते हैं। अगर दही खट्टा हो जाए तो दूध डालने से बैलेंस इक्वल हो जाता है, खट्टापन नहीं रहता दही में। अब हम डालेंगे पुदीने का पेस्ट। मसाले हमने साथ में ही डाल दिए थे। अब हम डालेंगे इसमें बूंदी। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार हो गया है पुदीना बूंदी रायता। खाने में ये रायता बहुत ही टेस्टी होता है, पुदीने की महक अच्छी लगती है इस रायते में। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।